बच्चों आपके अपने चैनल भी चार्ली जीनियस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम नवोदय विद्यालय में पूछे जाने वाले हिंदी के प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए गद्यांश है। एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। ठीक है बच्चों, चलिए अब गद्यांश को पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दीपावली पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाने वाला सबसे बड़ा पर्व होता है। इस दिन भगवान श्री राम माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में अयोध्यावासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। अमावस्या की अंधेरी रात जगमग असंख्य दीपों से जगमगाने लगती है। यह त्योहार कार्तिक माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। दशहरे के बाद से ही घरों में दीपावली की तैयारियां व्यापक स्तर पर शुरू हो जाती हैं। प्रत्येक समाज त्योहारों के माध्यम से अपनी खुशी को प्रकट करता है। दीपावली का त्योहार जीवन में खुशी प्रदान करता है, नया जीवन जीने का उत्साह प्रदान करता है। भारत देश में दीपावली का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन को अंधकार पर प्रकाश का विजय का प्रतीक माना जाता है। इस दिन को बहुत ही सुंदर और पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। दीपावली के दिन धन की देवी लक्ष्मी जी, माता सरस्वती जी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। ठीक है बच्चों, तो यही गद्यांश दिया गया है। अब गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न 76 है, दीपावली किस दिन मनाई जाती है? ऑप्शन है बच्चों, पूर्णिमा, किसी भी दिन, अमावस्या, रविवार। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा है दीपावली के दिन मनाई जाती है बच्चों, अमावस्या के दिन। ठीक है बच्चों, चलिए दिखाते हैं। देखिए देखिए बच्चों, यहाँ पे दीप जलाकर उनका स्वागत किया जाता है। अमावस्या के अंधेरे में रात में दीपों को जलाया जाता है। यह त्योहार कार्तिक माह की अमावस्या का मनाया जाता है बच्चों, अमावस्या के दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दीपावली 77 है, दीपावली सभी के जीवन में क्या प्रदान करती है? क्या क्या, ए क्रोध, बी दुख, सी खुशी, डी लाभ। तो बच्चों क्या प्रदान करती है दीपावली? ऑप्शन सी हमारा सही है, खुशी। दीपावली सभी के जीवन में क्या प्रदान करती है? खुशी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। दशहरे के बाद कौन से त्योहार की तैयारियां शुरू हो जाती हैं? दशहरे के बाद कौन सी तैयारी शुरू हो जाती है बच्चों? किस त्योहार की? दीपावली की। किस त्योहार की शुरू हो जाती है बच्चों? दीपावली की तैयारी शुरू हो जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं 79। उपर्युक्त गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या होगा? उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? तो कौन सा उपयुक्त शीर्षक होगा बच्चों? नववर्ष, रक्षाबंधन, दीपावली, दशहरा। तो यह जो ऊपर गद्यांश लिखा हुआ है किस पे लिखा हुआ है बच्चों? दीपावली पर।
किस पे लिखा गया है, एक बार ध्यान, दीपावली पे। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भगवान श्री राम सीता व लक्ष्मण के साथ कितने वर्ष बाद वनवास से अयोध्या लौटे थे? ए 5 वर्ष, बी 14 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 2 वर्ष। तो कितने वर्ष बाद लौटे थे बच्चों? राम और सीता लक्ष्मण तीनों लोग 14 वर्ष के वनवास काटकर 14 वर्ष में अयोध्या लौटे थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे